Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 10th August of 2020 and it's a Monday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्लीज़ हर कोई कमेंट करे, जो कोई वीडियो देखे कमेंट जरूर करें। आपको कैसा लगा वीडियो ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई सजेशन हो उसको भी आप बता सकते हैं, कोई टारगेट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बता के हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन है, उनको जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला क्वेश्चन है, डीजीसीए जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो कौन से बिल से, क्या कहते हैं, कौन से ईयर का बिल था, वो कौन सा बिल था जिससे इसे एक स्टेचुरी बॉडी बनाया गया है, ये आपको बताना है डीजीसीए को। दूसरा क्वेश्चन आता है, डब्ल्यूएचओ जो है डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी फंक्शनिंग किस ईयर में चालू हुई थी। ईयर आपका नाम बताना है, इसका हेडक्वार्टर बताना है और ईयर बताना है कि किस ईयर में इसकी फंक्शनिंग चालू हुई थी। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसे कब स्टैब्लिश किया गया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कब स्टैब्लिश किया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए ये हो गए क्वेश्चन आज के, आप इनका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्या कहते हैं, फर्दर न्यूज़ के लिए। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखेंगे। पहली न्यूज़ आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री टू इम्पोज इम्पोर्ट एम्बार्गो ऑन 101 आइटम्स, कि 101 आइटम्स पे इम्पोर्ट एम्बार्गो लग गया है। कि जैसे हम लोग अभी तक कहते हैं दूसरे देशों से खरीदते थे डिफेंस मिनिस्ट्री का आइटम, जैसे कोई भी कहते हैं बंदूक हो गए या रॉकेट्स, या रॉकेट्स क्या ये तोप वोप हो गई टाइप, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, हम लोग जो डिफेंस में यूज़ होता था आर्म्ड फोर्सेस में, उनको हम बाहर के देशों से खरीदते थे। लेकिन ये इम्पोर्ट एम्बार्गो के बाद क्या कहते हैं इसे हम, क्या कहते हैं, वो यहीं बनाएंगे, इंडिया ही में बनाएंगे, इंडिजिनस प्रोडक्शन होगा उसका और क्या कहते हैं उसी को यूज़ किया जाएगा। ये इसलिए भी किया गया, इसका एम है कि टू बूस्ट इंडिजिनस प्रोडक्शन, से राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम इंडिजिनस प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहते हैं कि इंडिया ही का प्रोडक्ट यूज़ हो, ऐसा इसलिए हमने किया है। इसमें कहा गया, द डिफेंस मिनिस्ट्री विल इंट्रोड्यूस इम्पोर्ट एम्बार्गो ऑन 101 आइटम बियॉन्ड गिवन टाइमलाइंस टू बूस्ट इंडिजिनस ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, कि डिफेंस जो डिफेंस के लिए यूज़ होता है आर्म्ड, क्या कहते हैं, हो गए और भी कई चीज़ें होती हैं, वो डिफेंस प्रोडक्शन को हम इंडिजिनस प्रोडक्शन करना चाहते हैं जिससे हमारा इंडिजिनस इंडिया में प्रोडक्शन बढ़े और क्या कहते हैं हम बूस्ट कर सकें इंडिया को। इसमें ये भी लिखा है, स्पीकिंग एट अ फंक्शन लेटर इन द डे ही सेड दैट द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू रीच अ टर्नओवर ऑफ $25 बिलियन थ्रू इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट वर्थ $5 बिलियन, कि ऐसा माना जा रहा है कि टर्न ओवर $25 बिलियन का होगा ये डिफेंस प्रोडक्शन का, और जो इसमें से और कुछ आइटम्स हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे बाहर के देशों को देंगे भी, लगभग $5 बिलियन का वहाँ से भी हो सकता है। तो ये पूरा आता है डिफेंस एक्विजन काउंसिल में, ये होती क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। डिफेंस एक्विजन काउंसिल देख लेते हैं, DAC की होती क्या है अलग से देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 ये डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक से भी कर सकते हैं। डिफेंस एक्विजन काउंसिल ये बनाया गया था इसे टू काउंटर करप्शन एंड स्पीड अप डिसीजन, कि करप्शन ख़त्म करने के लिए और डिसीजन को स्पीड अप करने के लिए, मेकिंग इन मिलिट्री प्रोक्योरमेंट में। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2001 में बनाया गया था टू सेटअप एन इंटीग्रेटेड DAC, एक डी सेट इंटीग्रेटेड DAC बनाने के लिए। ये हेडेड होती है डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, इसके हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्सपेंडिशियर प्रोक्योरमेंट ऑफ द अप्रूव रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेज, जो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट होता है, क्या कहते हैं आर्म्स का, वो आर्म्ड फोर्सेज का, तो उसे हम फुलफिल करने के लिए वर्क करती है। इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी सॉर्ट एंड टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजिंग ही एलोकेटेड बजटरी रिसोर्सेज, की बजटरी रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करके हम सबकी सबकी क्या कहते हैं फुलफिल कर सकें सबकी रिक्वायरमेंट्स। इसमें ये भी कि DAC इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव पॉलिसी गाइडलाइंस टू एक्विजन बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट प्लान, इट ऑल्सो क्लियर्स ऑल एक्विजन्स विच इंक्लूड बोथ इंपोर्टेंट एंड दोज प्रोड्यूस इंडिजिनली और अंडर द फॉरेन लाइसेंस, कि हर चीज़ जो पॉलिसी गाइडलाइंस बनाती है, कहते हैं इफेक्ट्स देखती है लोगों के, और इम्पोर्टेड और जो एक्सपोर्टेड आइटम्स होते हैं उन पर भी अपना ध्यान देती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, CISF टू प्रोब आर यू इंडियन टॉन्टेड MP, एक MP पे क्या कहते हैं वहाँ पे संडे को एक इंक्वायरी DMK MP को कहा गया कि वुमेन ऑफिसर को चेन्नई एयरपोर्ट में, कि आर यू इंडियन, क्योंकि वो हिंदी नहीं बोल पा रही थी तो उनसे ऐसा पूछ लिया गया कि आप इंडियन हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट कंटेस्ट, न्यूज़ कंटेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंट आता है CISF।
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से हम लोग देख लेते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 15 जून 1983 को। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है इंडिया की। ये बनाया गया था एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा 10 मार्च 1969 को। स्ट्रेंथ ऑफ 2800 का इसका स्ट्रेंथ था। ये एक सबसेक्वेंटली मेड एन आर्म फोर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया बाय अनदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास ऑन 15 जून 1983। 15 जून 1983 को भी इसे भी एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया का एक पार्ट बना दिया गया आर्म फोर्सेस का। इसकी अब इस वक्त करेंट स्ट्रेंथ है 1,48,371। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और ऐसा भी होनी चाहिए हमारे कई क्या कहते हैं हम इस तरह के ग्रुप्स का ही होने चाहिए इंडिया में। इन 2 अप्रैल 2017 को द गवर्नमेंट रेज द शेड्यूल स्ट्रेंथ ऑफ 1,45,000 टू 1,80,000। इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात की गई। इट्स डायरेक्टली अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आता। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। इस सी एस एफ प्रोवाइड सिक्योरिटी ओवर टू 300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स। 300 से ज़्यादा क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, फैसिलिटीज, इस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे एटॉमिक पावर प्लांट्स हो गए या स्पेस इंस्टॉलेशन, माइंस, ऑयल फील्ड, रिफाइनरी, मेजर पोर्ट्स, हैवी इंजीनियरिंग, स्टील प्लांट्स, बैजेस, फर्टिलाइजर यूनिट्स, एयरपोर्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल पावर प्लांट, इन सब चीज़ों पे क्या कहते हैं सिक्योरिटी इन सबको प्रोवाइड करते हैं। जो पब्लिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उन पर भी अपना ये सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम। अगली न्यूज़ आती है, फेसबुक नीड्स टू रिव्यू इट्स प्राइवेसी पॉलिसी हैज हाई कोर्ट। ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है कि फेसबुक अपनी रिव्यू पॉलिसी देखनी होगी। जैसे ये कहते हैं वहाँ हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है, उसमें कहा गया कि स्टूडेंट्स फोटोज वर लिफ्टेड फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड पोस्टेड ऑन पोर्न साइट्स। कहते हैं कि कुछ बच्चों की फोटो, कुछ स्टूडेंट्स की फोटो इंस्टाग्राम से उठा के उनको पोर्न साइट्स में डाल दिया गया। ये गलत बात है, ये एक रिव्यू होना चाहिए फोटो की। क्या कहते हैं कैसे कोई फोटो किसी भी साइट से ऐसा कैसे डाल सकता है, तो उसको रिव्यू करके फेसबुक को ध्यान रखना चाहिए था, ऐसे इसमें कहा गया। इसमें कहा गया रिस्पॉन्डिंग टू अ रिसेंट इंसिडेंट वेयर पिक्चर्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स वर पोस्टेड ऑन पोर्न साइट आफ्टर बीइंग लिफ्टेड फ्रॉम फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फेसबुक से, कि जैसे आप सभी जानते हैं कि इंस्टाग्राम को ओन करता है फेसबुक, तो इसलिए कहा गया कि उसे रिव्यू और शार्पन करना चाहिए उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को। हम लोग देखते हैं राइट टू प्राइवेसी है क्योंकि सबके पास, क्या कहते हैं ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। तो RTI को हम लोग देख लेते हैं, क्या कहते हैं राइट टू प्राइवेसी को देख लेते हैं, राइट टू प्राइवेसी को देख लेते हैं हम लोग अलग से। राइट टू प्राइवेसी जो पुत्तास्वामी जजमेंट था, जो उसने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया था कि कंसर्न्स अबाउट सर्विलेंस ऑल अक्रॉस द ग्लोबल ड्यू टू कैम्ब्रिज एनालिटिकल एंड असर्ट स्कैंडल्स। इसका बैकग्राउंड ये है कि प्राइवेसी हैज बीन डिफाइंड बाय द US ज्यूडिशरी एज द राइट टू बी लेट अलोन। कि क्या कहते हैं राइट टू प्राइवेसी हमेशा से ही, जैसे US ज्यूडिशरी में भी उसे एक राइट टू लेट अलोन की खुद की एक राइट होनी चाहिए कि हम खुद को अपने अलग रह सकें। दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ बीइंग डीम्ड बाय एक्सपर्ट एज एन अनसफिशिएंट इन अ लार्ज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने भी राम जेठमलानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ह्यूमन बींग शुड बी अलाउड डोमेन्स ऑफ फ्रीडम दैट आर फ्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी अनलेस दे एक्ट इन अनलॉफुल मैनर। क्या कहते हैं हर इंसान को क्या एक फ्रीडम होनी चाहिए, डोमेन ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए कि वहाँ पर वो खुल के रह सके, उस पर कोई पब्लिक सिक्योरिटी नहीं चाहिए कि पब्लिकली उसे देखें लोग या उस पर क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा उसमें कहा गया राइट टू प्राइवेसी के ऊपर। इसमें यह भी कहा गया प्राइवेसी इंश्योर दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सर्वाइव, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन सर्वाइव करें ये भी प्राइवेसी देखता है। डेमोक्रेटिक आइडल्स ऑफ प्लूरिज्म एंड डाइवर्सिटी स्टार्ट इन माइंड, कि रिसेंट स्टडी में कहा गया द यूज़ ऑफ प्राइवेट डायरेक्टर फॉर इलेक्शन कंपेनिंग थ्रू आउट द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ पब्लिक डाटा। लार्ज स्केल जो पब्लिक डाटा स्टोर करते हैं इलेक्शन के समय उसे रोकना होगा, ये राइट टू प्राइवेसी को ब्रेक करता है, ऐसा इसमें बीच में कहा गया था। फेसबुक इक्विफैक्स वर ऑल्सो अंडर फायर फॉर वायलेटिंग यूजर प्राइवेसी एंड यूजिंग अनएथिकल मीन्स टू ट्रैक यूजर्स लाइफस्टाइल एंड मूवमेंट्स। की जैसे फेसबुक इक्विफैक्स के ऊपर भी लगा था कि राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, कि वो लोग लोगों की प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं, उनके अनएथिकल मीन्स ट्रैफिक ट्रैक कर रहे हैं यूजर्स के लाइफस्टाइल मूवमेंट्स को, ऐसे इसमें कहा गया था। इसमें यह भी कहा गया इंडिया ऑल्सो प्लान टू इनिशिएट अ मास सर्विलेंस प्रोग्राम बट हैड टू पुट ऑन टू होल्ड आफ्टर रिसीविंग वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म। कहते हैं एक वाइल्ड क्या कहते हैं सर्विलेंस प्रोग्राम चालू होने वाला था जिससे पता चलता कि
कहाँ कहाँ किस तरह से क्या कहते हैं हम लोगों की प्राइवेसी ब्रेक हो रहा है, उनका वॉलेट हो रही है, उसको भी बनना था, लेकिन उसके कई ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ तो उसे रोक दिया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, आरटीआई एक्टिविस्ट सीक रिकवरी फ्रॉम फाइन फ्रॉम हरियाणा ऑफिशियल्स। इसमें बताया गया है कि जो जैसे हम जानते ही है कि कुछ फाइन लगता है कि जब कोई करप्शन करता है तो उसके ऊपर फाइन लगना चाहिए, सही भी स्टेप है और सही ऐसा होना भी चाहिए। इसमें बताया गया कंप्लेन हैज़ बिन फाइल बिफोर हरियाणा लोकायुक्त की लोकायुक्त के बीच के सामने एक कंप्लेन फाइल हुई है जिसमें कहा गया है कि जो आरटीआई के एक्टिविस्ट ने रिकवरी मांगी है 2 लाख कहते हैं 2 करोड़ की। उसमें कहा गया कि फाइन है वो इंटरेस्ट जो 1726 ऑफिशियल्स ने जो कहते हैं करप्शन के द्वारा लिया है सिविल सर्विस, जो हरियाणा सिविल सर्विस ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर इतना फाइन लगा है, ऐसा उनका कहना है। चलिए इसमें देख लेते हैं आरटीआई को, इसमें इम्पोर्टेंट आता है आरटीआई, हमें आरटीआई को अलग से देख लेते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट 2019 के बाद बताया गया कि प्रेजिडेंट एसेंट डिस्पाइट द प्रोटेक्ट ड्यू टू सर्टन कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन इन द अमेंडमेंट एक्ट, कि कुछ अमेंडमेंट के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था जो अमेंडमेंट हुआ आरटीआई में। इसमें कहा गया कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉज इन द इंडिया, इसे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉज इन द इंडिया माना जाता है। इट इज़ द लॉ दैट गिव्स एन ऑर्डिनरी सिटीजन द राइट टू आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, कि जिससे कोई नॉर्मल इंसान भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सके। इट इज डिक्टेट्स द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ टाइमली रिस्पॉन्स टू द सिटीजन हु सीक्स इट्स, कोई भी अगर गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता है तो कुछ टाइम ड्यूरेशन में क्या कहते हैं गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना है, ऐसा भी इसमें जोड़ा गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस एंड पेंशन हैज टेकन द इनिशिएटिव टू इंश्योर दैट अ पोर्टल इज प्रोवाइडेड फॉर द सिटीजन सो दैट कैन सर्च एंड ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन क्विकली, कि इसमें यह भी जोड़ा जा गया है कि कहते कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च और ऑप्टेन जल्दी से जल्दी कर सकता है, इसलिए ऐसा किया गया है। ऐसा माना गया कि 60 लाख एप्लीकेशन वर फाइल एवरी ईयर, हर साल लगभग 60 लाख एप्लीकेशन फाइल होती है सिटीजन्स द्वारा मीडिया द्वारा, ऐसा होता है। अंडर आरटीआई एक्ट 2005 पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं उनको उनके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में हमेशा पूरे डिस्क्लोज रखना चाहिए, नहीं तो आरटीआई हुआ तो उन्हें पूरा अपना डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फंक्शन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चलिए अगली न्यूज आती है, आरटीपीसीआर लैब टू स्टार्ट ऑपरेशन इन सतारा टुडे। ऐसा हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि फैसिलिटी विल रिड्यूस पुणे टेस्टिंग लोड जनरेट रिजल्ट्स फास्टर से राजस्थान पे, जिससे आरटीपीसीआर लैब जनरेट हो जाएगी तो उससे टेस्टिंग तेज होगी, रिजल्ट जल्दी आएंगे और क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं, और ज़्यादा जो प्रेशर पड़ रहा है पुणे की टेस्टिंग पे, पुणे के जो लैब है वहाँ पे कम हो जाएगा थोड़ा, जो वायरोलॉजी लैब है पुणे में वहाँ पे उसकी टेस्टिंग कम हो जाए, टेस्टिंग क्या प्रेशर कम हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो आरटीपीसीआर है, आरटीपीसीआर को हम लोग अलग से देख रहे हैं, या आप उससे पहले बताइए कि आरटीपीसीआर को किस, ये जो पीसीआर है पीसीआर टेक्निक में जो ये पीसीआर है, पीसीआर टेक्निक के लिए एक इंसान को क्या कहते हैं एक बायोकेमिस्ट को वो क्या कहते हैं नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के लिए। किस ईयर में मिला था, ईयर आपको बताना है, ईयर बताना है, ईयर और क्या कहते हैं नेम बताना है, ईयर और नेम बताना है किस बायोकेमिस्ट को मिला था, ये आपको बताना है पीसीआर टेक्निक के लिए मिला था। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किसे मिला था आप पहले, लेकिन कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं आरटीपीसीआर को, रैट वर्सेस आरटीपीसीआर। जो रैट होती है एरेडिटी, ये एक टेस्ट होता है स्वैम्बर नेसल सैंपल दैट डिटेक्ट एंटीजेंस, ये फॉरेन सब्सटेंस दैट इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उन्हें देखता है, दैट आर फाउंड और विद इन द सार्स कोविड-19 वायरस, जो कोविड-19 वायरस में पाए गए। ये लाइक आरटीपीसीआर द रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट टू सीक्स टू डिटेक्ट द वायरस रेदर दैन द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय द, ये भी वायरस को डिटेक्ट करता है ना कि एंटीबॉडीज को, ये इसका डिफरेंट है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू इज टाइम, ये दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो टाइम भी है और कई और भी डिफरेंस है रेड और आरटीपीसीआर के बीच में। जैसे पीसीआर हैज पॉइंटेड आउट दैट आरटीपीसीआर टेस्ट टेक्स अ मिनिमम ऑफ 2-5 आवर्स इंक्लूडिंग द टाइम टेकन फॉर सैंपल ट्रांसपोर्टेशन, कि आरटीपीसीआर टेस्ट में 2 से 5 घंटे लगते हैं करने में और उसके बाद रिजल्ट आता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ जो निकाला गया सैंपल वो और अलग ही है। लेकिन जो ये रिलायबल रैपिड एंटीजन टेस्ट डिटेक्शन टेस्ट है इसमें जो है रैट में, इसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर इंटरप्रेटिंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट इज 30 मिनट्स,
रेट्स में सिर्फ 30 मिनट्स आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन तो अलग हो गया, सैंपल वैम्पल का अलग है उसमें, जैसे आरटीपीसीआर में है वैसे इसमें 30 मिनट लगते हैं, तो उसमें काफ़ी कम समय लगता है। इसको बढ़ावा देना चाहिए रेट को भी। आरटीपीसीआर तो टेस्टिंग चल ही रही है, इसकी भी बढ़ावा मिलना चाहिए। अब आता है आरटीपीसीआर टेस्ट। ये कैरी मुलिस थे, कैरी मुलिस ये अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे जिन्हें पीसीआर टेक्निक के लिए नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री के लिए 1993 में। ये काफ़ी अच्छी बात है। क्या कहते हैं ये, आप क्या कहते हैं नोट कर लीजिएगा, कैरी मुलिस, कैरी मुलिस नाम था उन, क्या कहते हैं बायो केमिस्ट का, जिन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री मिला था 1993 में। इसमें क्या होता है, कहते हैं जो आरएनए होता है आरटीपीसीआर टेस्ट में, इसे आरटी इसमें क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इसमें आरएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से फिर इसमें आरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर टेस्टिंग होती है, इसीलिए इसे कहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये जो आरटी है इसमें आगे जुड़ा रहता है, इसलिए इसमें जुड़ा रहता है, क्योंकि ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ये जो एंजाइम होता है कन्वर्ट्स द आरएनए इनटू डीएनए, कॉपीज ऑफ द डीएनए आर देन मेड एंड एम्प्लीफाइड। उसके बाद जो डीएनए की कॉपीज होती है उसे एम्प्लीफाइड किया जाता है, उसके बाद उस पर टेस्टिंग होती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती हैवी रेन लाइकली इन महाराष्ट्र। ऐसा कहा गया है कि एमडी ने कहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कि महाराष्ट्र में ज़्यादा रेन हो सकती है, ऐसा कहना है। इसमें इंपॉर्टेंट है आईएमडी, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। आईएमडी आईएमडी को बनाया गया था 1875 में, एक इन नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस है ऑफ द कंट्री है, चीफ गवर्नमेंटल एजेंसी है जो डील करती है मेट्रोलॉजी सीस्मोलॉजी और सोशल सब्जेक्ट से। ये फंक्शन करती है नेशनल अर्थ साइंस के अंडर, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसलिए जैसे कई इश्यूज में देखती है, जैसे कोई भी वेदर फिनोमना हुआ, ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉर्थ वेस्टर्न या डस्ट स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, हैवी रेन्स, हैवी स्नो, इन सब पे भी देखती है। और ये उन सब पे भी वर्क करती है, इरीगेशन पर्पज, एग्रीकल्चर, एविएशन, शिपिंग, जैसे कहाँ का वेदर कैसा रहेगा जिससे एग्रीकल्चर को क्या फ़ायदा हो सकता है, शिपिंग, जैसे कोई शिपिंग में है तो उसको बताने के लिए कि वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग प्रोवाइड करने के लिए सही रहेगा, कि ये आईएमडी वर्क करती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, साइंटिस्ट फाइंड 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज इन मैथरन। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैथरन है कहाँ, किस जगह पे ये मैथरन पड़ता है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे मैथरन पड़ता है। इसमें बताया गया है कि 3 मेंबर टीम आइडेंटिफाई 140 रेयर स्पीशीज इन हिल स्टेशन आफ्टर 125 ईयर, 125 साल बाद 140 रेयर स्पीशीज फाइंड हुई है। 125 साल बाद 140 रेयर स्पीशीज फाइंड की हुई गई है बटरफ्लाईज की, जिसमें 77 नई है जो मैथेरन में फाइंड हुई, और लास्ट टाइम बटरफ्लाई वाज कोडिफाइड इन दिस इको सेंसिटिव जोन वाज इन 1894। उस वक्त 78 स्पीशीज फाइंड की गई थी 1894 में, उसके बाद अब जाके 2020 में 125 साल बाद ऐसा इंसिडेंट हुआ है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैथेरन कहाँ पर पड़ता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब आता है आज का एडिटोरियल, एडिटोरियल पेज हम लोग देख लेते हैं आज। चलिए पहला एडिटोरियल है, कोझिकोड एयर क्रैश जो हुआ है शोज दैट देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। कि जो इन एयर क्रैश हुआ उसके बाद ऐसा बताया क्या जा सकता है कि एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसे पूरे क्या कहते हैं अच्छे से बनाना चाहिए और पूरे सर्विलेंस में होना चाहिए, उसका चेकिंग भी होनी चाहिए पूरी तरह से, तब उसको फंक्शन में लाना चाहिए। नहीं तो इस तरह के क्रैश काफ़ी ज़्यादा लोग मरते भी हैं और काफ़ी लोग इंजर्ड होते हैं, काफ़ी डैमेज होता है, तो क्या कहते हैं इसको रोकने के लिए हमें अच्छे से वर्क करना होगा। इसमें वही कहा गया, इसमें कहा गया कि द ट्रेजिक क्रैश ऑफ एन एयर इंडियन एक्सप्रेस वंदे भारत रिलीफ फ्लाइट इन कोझिकोड इन विच 18 पीपल इंक्लूडिंग 2 क्रू मेंबर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। ये जो वंदे भारत मिशन चल रहा था जो बाहर के देश से आ रहे थे, वही फ्लाइट थी एयर इंडिया की, जिसमें 18 लोग मर गए हों, दो उसमें से 2 क्रू मेंबर्स भी हों, कई लोग सेवरली इंजर्ड भी हैं जिनके लाइफ रिस्क में है। इसमें बताया गया, इसमें बताया गया वो एक टेबल टॉप रनवे था। टेबल टॉप रनवे क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, पॉज करके वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि टेबल टॉप रनवे कौन सा होता है, टेबल टॉप एयरपोर्ट कौन सा होता है। हमने कल बात की थी इस पर, आप उसको देख सकते हैं। टेबल टॉप क्या कहते हैं एयरपोर्ट वो होता है जो किसी हिल पे होता है या किसी हाई रेंज पे होता है, उसे टेबल टॉप एयरपोर्ट कहा जाता है। इसमें वही कहा गया द अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम फॉर द टेबल टॉप रनवे कैरम इन टू अनडुलेटिंग टेरेन। कि ये जो इस पर लैंडिंग होती है एयरप्लेन की, उसके कुछ दिक्कतें होने मारा कारण इंस्ट्रूमेंट कुछ दिक्कत है उसके कारण ये हुआ इंसिडेंट। इसमें ये भी कहा गया द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री शुड मेक अ फुल डिस्क्लोजर ऑन द टेक्निकल एविडेंस गैदर द इंटीग्रिटी ऑफ विच विल
स्क्रूटनाइज बाय सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, जिससे वर्ल्ड वाइड सेफ्टी और हर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर सके अपने एयरपोर्ट्स पे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो हर देश की है, जो हर किसी, तो वो उस पर वर्क कर सके सेफ्टी के लिए। लास्ट में इसमें कहा गया था कोझिकोड क्रैश शुड लीड टू अ फ्रेश रिव्यू ऑफ ऑल रिस्की एयरपोर्ट्स, ट्रांसपेरेंट रिमेडियल एक्शन मस्ट बी टेकन इमीडिएटली, कि ट्रांसपेरेंट इमीडिएट रिमेडियल एक्शन लेना पड़ेगा क्या कहते हैं इस तरह से, और जितने भी रिस्की एयरपोर्ट्स हैं इस वक्त उन पर भी ध्यान देना होगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, बैलेंसिंग प्रायोरिटीज। इसमें बताया गया है कि डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, डेवलपमेंट गोल्स मस्ट बी परस्यूड विदाउट ब्रीचिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशन, कि एनवायरमेंटल रेगुलेशन को डैमेज किए बिना हमें डेवलपमेंट गोल्स पाने होंगे, इसमें ये कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है जैसे कि हमने देखा है कि 2018 फ्लड के बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि केरला ने 67 मेजर लैंडस्लाइड इवेंट्स कहते हैं वहाँ पे हुए हैं, और माइनर वंस भी हुए 1961 से 2013 के बीच में कई हुए। इसमें यह भी कहा गया नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम जो है उसने माना है कि द एजेंसी मैप सर्वे स्टेट इन द वेस्टर्न घाट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड टू एक्सेस हाउ वनरेबल दे डिस्ट्रिक्ट, कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कितनी वनरेबल है। इसका एनालिसम का एक और भी मैप्स का एक और ऑब्जेक्टिव होता है टू हेल्प स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज इनकॉर्पोरेट द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइडिंग टू जोनिंग लॉस, कि जोनिंग लॉस में वो सब आ रहे हैं कि नहीं उसको भी देखना एनालिसम का ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें भी कहा गया इट हैज इमर्ज फ्रॉम स्टडीज ऑफ कैलाश टोपोग्राफी दैट क्वारिंग एंड द अनसर्टिफिक कटिंग ऑफ स्लोप्स इनटू हिली एग्रीवेट द रिस्क ऑफ सॉल्यूशन, की जो स्लोप्स की में कटिंग होती है कार्विंग होती है तो उससे सॉइल इरोजन बढ़ता है, तो इसके बारे में इसमें कहा गया है। लास्ट में इसमें कहा गया देर इज अ कॉस्ट टू परस्यूइंग डेवलपमेंट गोल विदाउट पेइंग अटेंशन टू एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स, कि हर क्या कहते हैं पर डेवलपमेंट गोल्स पाने के लिए कुछ एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स को डैमेज होना पड़ता है, उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है डेवलपमेंट गोल्स पाने के लिए। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। अगला एडिटोरियल आता है अ न्यू डायरेक्शन फॉर इंडिया यूएस टाइस, कि एक फ्रेश पैराडाइम हुआ है शुड बी ऑन हाउ टू स्ट्रक्चर कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाइना नीड्स टू बी फैक्चर, कि जैसे हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1940s में, उन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल से कहा था कि इंडिया को भी एक अलायंस बनाया जाए, वर्ल्ड वॉर टू के समय 1940 में कहा था कि इंडिया को एक फॉर्मल अलॉय बनाया जाए वर्ल्ड वॉर टू में क्या कहते हैं यूएसए और ब्रिटेन के साथ, लेकिन ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि इंडिया एक फ्री इंडिया बनना चाह रहा है, उसे इंडिया को फ्रीडम चाहिए, वो अभी ना कभी फ्रीडम उसे मिली जाएगी तो हम उसे अलाई नहीं बना सकते। इसमें ये भी कहा गया है कि इंडिया स्टेब्लिश आफ्टर ब्लडी पार्टीशन 1947, जिसमें कहा गया कि कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट फ्री प्रेस एंड नॉन वायलेंस इज इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950 रिपब्लिक डे। इसमें यह भी कहा गया इन 1950 इंडिया स्टिल टू द सोवियत यूनियन, और चाइना ने कोरियन वॉर के समय यूएस टर्न टू पाकिस्तान एज अ पॉसिबल काउंटर वेट इन साउथ एशिया अगेंस्ट द सोवियत यूनियन एंड चाइना, कि उस वक्त जब इंडिया सोवियत यूनियन और चाइना के साथ काम कर रहा था 1953 में, तो यूएस ने सोचा कि वो पाकिस्तान को अपना एक पार्टनर बना ले इन सोवियत यूनियन और चाइना के खिलाफ वर्क करने के लिए। यूएस में पाकिस्तान ने मेंबर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट एक बना लिया और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट बनाया, और लिबरली गेव एड एंड आर्मामेंट्स, उनको एड भी दिया और आर्मामेंट्स भी प्रोवाइड किया यूएसए ने पाकिस्तान को। इसमें यह भी कहा गया व्हाट इंडिया नीड्स लेक इज फॉर डीलिंग विद द लद्दाख कॉन्फ्रंटेशन ऑन द साइड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑफ चाइना, जैसे देखा है कि इंडिया नीड्स यूएस हार्डवेयर मिलिट्री इक्विपमेंट, इंडिया डज नॉट नीड यूएस ट्रूप टू फाइट आर बैटल्स अगेंस्ट चाइना ऑन आवर बॉर्डर, कि इंडिया को यूएस के हार्डवेयर चाहिए मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, उन्हें उनके ट्रूप्स नहीं चाहिए, उनकी आर्मी नहीं चाहिए, उनके बस इक्विपमेंट चाहिए जिससे वो वॉर हो तो वॉर्स में लड़ सके चाइना के खिलाफ, जैसे कंडीशन हो गई थी लद्दाख में अभी। इसमें भी कहा गया है कि इंडिया नीड्स द सपोर्ट ऑफ द यूएस एंड इट्स अलाइज, जैसे इसराइल के साथ मिलकर वर्क करेंगे तभी हम चाइना पाकिस्तान को हरा सकते हैं वॉर्स में। इसमें यह कहा गया इंडिया नीड्स द यूएस टू कम्प्लीटली डेवलप द अंडमान निकोबार एंड ऑल्सो द लक्षद्वीप एज अ नेवल एंड एयरफोर्स बेस विच द यूएस कैन शेयर अलॉन्ग विद द अलाइज सच एज इंडोनेशिया एंड जापान, कि इसमें कहा गया कि इंडिया चाहता है कि यूएस भी डेवलप करें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप का जो नेवल और एयरफोर्स बेस है वहाँ पे यूएस भी शेयर कर सकता है कहते हैं इंडोनेशिया और जापान के साथ मिलके, जिससे हमारा बेस स्ट्रांग होगा और कहते हैं हम
किसी वॉर से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसमें भी कहा गया 10 ट्रैफिक्स ऑफ बोथ इंडियन यूएसए का जो है शुड बी लोअर्ड एंड द इंडियन रुपी शुड बी ग्रेजुअली रिवैल्यू टू 35 रुपीज़ 35 टू अ डॉलर की जो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है डॉलर का रेट उससे कम होना चाहिए, अब 35 रुपये हो जाना चाहिए 1 डॉलर का रेट, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अगला एडिटोरियल देखें। अगला एडिटोरियल ब्रिंगिंग न्यूक्लियर रिस्क बैक टू पॉपुलर इमेजिनेशन की, जैसा हमने जानते ही है कि अवेयरनेस ऑफ द हॉरर्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स नीड टू बी रिवाइव गिवन पब्लिक एपैथी एंड पॉलिटिकल कॉम्प्लेसेंसी। इसमें हमने जैसा ये याद कर लीजिएगा, ये जो लिटिल बॉय था वो हिरोशिमा में गिरा था, लिटिल बॉय जो कहते हैं बॉम्ब था एटॉमिक बॉम्ब वो गिरा था हिरोशिमा में अगस्त 6, 1945 में 8:15 पे। उसके बाद 3 दिन बाद जो फैट मैन गिरा था नागासाकी में 11:01 पे, ये फैट मैन और ये लिटिल बॉय बॉम्ब के नाम है। चलिए ये हमने बहुत दर्दनाक खबर थी, 75 साल होने के बाद अब याद किया जा रहा है इसे। इसमें कहा गया कि द पर्पस ऑफ रिकॉलिंग दिस हॉरर्स फॉर 75 ईयर इज टू इंश्योर दैट न्यूक्लियर आर्म फोर्सेज डू नॉट फॉरगेट द रियल नेचर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की 75 साल हम इसे क्यों रिकॉल कर रहे हैं कि जिससे जो न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं वो ये ना भूलें कि उससे एक कंट्री को डैमेज नहीं होता, वो हर कंट्री को डैमेज करता है, तो एक रियल नेचर क्या हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स का वो हर कंट्री को जानना होगा। इसमें ये भी कहा गया अमंग द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर यूज द हाइएस्ट लाइकलीहुड इन दैट ऑफ एडवर्ड एस्केलेशन ड्यू टू मिसकलेशन और मिसअप्शन। ये कहा गया कि जैसे डेलवेयर न्यूक्लियर अटैक्स होते रहते हैं बिकॉज ईच अंडरस्टैंड दैट द स्प्लेंडेड फर्स्ट स्ट्राइक इज इम्पॉसिबल एंड दैट न्यूक्लियर रिटेलिएशन कैन नॉट बी स्केप्ड। ये न्यूक्लियर वेपन जो हम यूज़ करेंगे उससे एक को डैमेज नहीं होगा, हर कंट्री को डैमेज हो सकता है, तो कई लोग डैमेज हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं, मर सकते हैं, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स फाइट में रोकनी होगी। इन ऑर्डर टू गेट नेशन टू अंडरस्टैंड दिस इट इज़ नेसेसरी टू एक्सपोज लीडर्स एंड सोसाइटी टू द फुल रेंज ऑफ फिजिकल इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल हेल्थ इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन्स के इफेक्ट्स को हम लोगों को बताना होगा। रिकॉलिंग द हॉरर्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी थ्रू इवेंट्स ऑल ईयर अराउंड ऑन इट्स 75th एनिवर्सरी इज योर अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग न्यूक्लियर रिस्क बैक इंटू पॉपुलर इमेजिनेशन इंटू पॉलिटिकल एजेंडा। कि जो पॉलिटिकल इमेजिनेशन और पॉलिटिकल एजेंडा है उस पर ध्यान लाना सबको, जिससे इस तरह के न्यूक्लियर अटैक्स व इन फ्यूचर ना हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, और प्लीज़ जो क्वेश्चन शुरू में पूछे गए उनका आप जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।